वेलकम टू द बिना डिकोड्स। कैन यू इमेजिन, कल मैंने वीडियो वो लाइव किया जहाँ पे मैंने दिखा दिया कि मैं कपड़े भेज रही हूँ सबको, तो इतने मेल्स आए, माय गॉड, मेरे मेल बॉक्स में काम के मेल और मिल ही नहीं रहे, सारे ही वार्ड्रोप। करिश्मा शर्मा, सुमन कुमारी, आफरा वसीम, अन्या एस जी, स्मिधि पांडे, अनन्या सिंह, निकिता नेगी, ओ माई गॉड। स्टार्टिंग के तीन पेज 100 100 100, तो ओनली अबाउट वार्ड्रोब एंड क्लोथ्स। ये है कि मैंने काफ़ी सारा भेज दिया है, अभी इतने सारे मेल्स आए, तो जो वीडियो में आपने देखा कि सबको मैं दो दो तीन तीन करके कपड़े भेज रही थी, तो इतने सारे मेल देख के अभी सबको मैं दो दो तीन तीन करके भेजे जाऊंगी, तो इतने तो कपड़े मेरे पास खुद के भी नहीं हैं, मतलब मैं पूरा अलमारी खाली कर दूँ तो भी नहीं मिलेगा। शी वॉन्टेड टू डू अ मैटर्निटी फ़ोटोशूट एंड शी आस्क फॉर वन ऑफ माई आउटफिट, तो मैंने ये भेजा एंड यू हैव वोन इट, थैंक यू सो मच। मुझे ये फ़ोटो देख के जितनी खुशी मिली कि मैं क्या बताऊँ, यू मेड माई डे। और बहुत लोगों ने मेल किया कि मेरे कपड़े पहुँचे हैं, थैंक्स बोला है, लेकिन फ़ोटो नहीं भेजा है। सो एज़ एंड वेन इट इज़ पॉसिबल, आप प्लीज़ मुझे फ़ोटोज़ भी भेजिए वो पहन के, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। कमिंग टू क्लोथ्स, तो जैसे मैंने बहुत सारे कपड़े दे दिए, अभी कुछ नए कपड़े भी लेने होंगे, राइट? मतलब ऐसा तो नहीं, क्योंकि धीरे धीरे मैं शेप में आ रही हूँ, पहले जैसा जो कपड़े पेट में फंसते थे, तो इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े ली थी, XL XXL, तो वहाँ से अभी मैं लार्ज साइज़ में आ गई हूँ, पर पहले का जो मेरा साइज़ था वो था स्मॉल और एट द मोस्ट मीडियम। बहुत लोगों ने लिखा भी है कि ये मैंने कहाँ से लिया, तो आज मैं वही करने जा रही हूँ, आप लोगों को लेके जाऊँगी शॉपिंग भी करूँगी मेरे एक फ्रेंड की दुकान से। तो ये जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है ये भी मेरी फ्रेंड की दुकान से ही लिया हुआ है, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि मैं मोस्टली शॉपिंग कहाँ से करती हूँ। यस, मैं ज़ारा, H&M, अब्रॉड भी जाती हूँ, तो वहाँ से भी मैं काफ़ी सारे शॉपिंग करती हूँ अगर मुझे अच्छा लग जाए, लेकिन जब मुंबई में रहती हूँ मेजरली यहीं से कपड़े लेती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी फ्रेंड है वो बाहर जा के शॉपिंग करके अपने स्टोर का कलेक्शन बनाती है, तो जो चीज़ जब मैं ट्रैवल नहीं कर पाती और फिर भी मुझे अप टू डेट और स्टाइलिश कपड़े चाहिए होते हैं, वो मैं मेरी फ्रेंड की शॉप से लेती हूँ। जो पिछला वीडियो मैंने डाला था फ्रॉम गोवा, जहाँ पर मैं यू नो शॉर्ट्स पहनी हुई हूँ, स्विम सूट पहनी हुई हूँ, बहुत लोगों ने मुझे लिखा आप कितनी मोटी हो गई हो, आप बिल्कुल गंदी लगती हो, तो थैंक यू, आपका मैसेज मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करता, बिकॉज करेंटली आई एम इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट माई बॉडी। उसको लेके भी बहुत लोगों ने लिखा है कि वी आर अस्टाउंडेड बाय द फैक्ट दैट हाउ बॉडी पॉजिटिव आई एम। So yes, you have to be body positive, whatever your size is. मैं तो स्पेशली मेरे बॉडी को ये बोलती हूँ कि my body has healed also so fast. अभी मैं सब कुछ कूदम फानी कर रही हूँ, वर्कआउट शुरू कर चुकी हूँ, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द फिट बॉडी दैट आई हैव। तो मैं इसको लेके क्यों, मतलब मैं बुरा फील करूँ किसी के मैसेज से या फॉर वॉट एवर। आई एम बींग एब्सोल्यूटली रिलैक्स विथ माई बॉडी, बट दैट डज नॉट मीन कि मतलब इतनी रिलैक्स हूँ कि छोड़ दूँ। मैं वर्क कर रही हूँ धीरे 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 पहले के शेप में जाने के लिए। सिमिलरली कभी कभी मेरा स्किन भी ख़राब लगता है, आई मीन नॉट ऑलवेज डज द स्किन फील यू नो लाइक ग्लोई एंड ब्यूटिफुल। कभी कभी स्किन के जो बैड स्किन डेज भी होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा डल दिखता है, ड्रूपी दिखता है, तो उसको लेके भी मैं परेशान नहीं होती, मैं कैसी लग रही हूँ, हाय मैं बहुत दुखी हूँ, आई नो वॉट टू यूज़। सो द डेज वेन माई स्किन डज नॉट फील अप टू द मार्क, आई यूज़ द लैक्मे यूथ इन्फिनिटी सीरम। इस सीरम का मेन पर्पस है कि स्किन को यूथफुल और फर्म बनाए। इट हैज़ 89% प्योर प्रो रेटिनॉल सी कॉम्प्लेक्स, द गुडनेस ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन B3 फॉर ब्राइटर स्किन। इसमें विटामिन ई भी है जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है फॉर द स्किन, जो स्किन को कंडीशन करता है, मतलब स्किन को फर्म करता है, टाइट करता है, ब्राइट करता है, ऑल इन ऑल स्किन को यूथफुल दिखाने में मदद करता है। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स इन योर पाम और फेस में डैब डैब करके लगाइए, हल्के से सर्कुलर मोशन में इसको फेस में मसाज कीजिए, देखिए बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल ग्रीजी नहीं है, येट बहुत मॉइस्चराइजिंग है, स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है। विथ लैक्मे देयर इज ऑलवेज दैट वन मोर थिंग,
and here's its 3. Let me introduce the Lakme 9-5 Vitamin C Plus Face Serum. Isme hai 98% pure vitamin C complex. Ye dullness reduce karta hai, skin ko hydrate karta hai, moisturize karta hai, skin ko energize bhi karta hai. This gives your skin a healthy, beautiful glow. Another beautiful serum from Lakme is the Lakme Absolute Perfect Radiance Serum. It has 98% pure niacinamide. ये radiance को boost करता है, uneven skin tone को improve करता है, all in all skin को bright करता है. As a result, you will get a brighter, radiant skin. Last but not the least from the Lakme kitty is the Lakme Absolute Hydra Pro Serum. It has 95% pure hyaluronic acid. Gives intense hydration. It smoothens the skin's texture. Gives result to a hydrated, fresh skin. आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये हर एक स्किन के लिए बना हुआ है और इसका जो प्राइस है वो भी सुपर अफोर्डेबल आपकी मुट्ठी में. इनकॉर्पोरेट दिस इन योर डेली स्किन केयर रूटीन एंड गिफ्ट योर सेल्फ अ यूथफुल फर्मर स्किन. यू कैन ट्राई इट टू बिकॉज इट इज सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन. स्किन तो अच्छा बना लिया, एक इन्फॉर्मेशन भी दे दिया. अभी जा रही हूँ आप लोगों को लेके मेरे फ्रेंड के दुकान में, लेकिन उससे पहले हल्का सा मेकअप तो कर लेना बनता है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ जहाँ जीविता रहती. जीविता यूजुअली मेरे घर आती है, लेकिन आज मैं जाऊँगी जिस तरफ जीविता रहती है, तो शी विल मीट मी देयर ओनली. आप लोग अक्सर पूछते हैं कि जीविता कौन है. हाँ, जीविता मेरी दोस्त है, बहन है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है. वी स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप. उसके साथ मेरा एक बार कुछ, हम लोगों का एक बार कुछ काम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्ती में तब्दील हो गया, समझे. अभी मुझे ऐसा लगता है कि आई कांट डू विदाउट हर. शी वॉज द वन हु सेड कि आप और स्टाइलिश हो सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, देविना आप ये करो वो करो. आज भी एक्चुअली मुझे लगता है कि हर एक इंसान का एक मोटिवेटर होता है, जो मेरे लिए मेरे घर वाले तो ज़रूर है, लेकिन मेरे लिए जीविता भी है बिकॉज वो मुझे हमेशा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पुश करती है. जब भी मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में लेजी हो जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा घसीट के निकालती है. कभी मैं एक ही पैटर्न के कपड़े होता है ना, मैं यही पहनूंगी, वो तब मुझे बोलती है डेबी आप ऐसा मत पहनो ना, आप थोड़ा सा और कुछ अलग अलग भी तो पहन सकते हो, यू विल बी एबल टू कैरी इट वेल. सो शी ऑलवेज काइंड ऑफ मोटिवेट्स मी. लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, तो वो रेडी हो गई है. उसने मुझे बोला कि जैसे मैं निकलूंगी मैं उसको एक फ़ोन कर दूंगी और वो भी वहाँ पे पहुँच जाएगी. सो सी यू देयर. तो मैं बैंड्रा में हूँ, तो जो मैं फ्रेंड के दुकान बोल रही थी वो बैंड्रा में है. वो KFC वाला जो लेन है ना बैंड्रा लिंकिंग रोड में, वहीं पे है. एड्रेस तो मैं नीचे दे दूंगी. वो है उसका शॉप, दिख रहा है आपको, बिग सी फैशन फर्स्ट. उधर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मेरा अटेंशन लिया है इसने. ये किसी कुछ बच्चे का एक जैकेट लग रहा है, लेकिन ये बच्चा पहनेगा तो उसको वो सांस कहाँ से लेगा. ये तो स्पाइडरमैन बना है लग रहा है, लेकिन सांस कहाँ से लेगा समझ में नहीं आ रहा. मुझे जीवी दिख गई, वो अभी मुझे मारेगी, कुटाई करेगी. हेलो, लुक एट द टाइम, यू आर 2 आवर्स लेट. तुमने तो मुझे लग रहा है शैम्पू करके बाल कंघी भी नहीं किया है. मुझे लगा ओह शिट मुझे लेट नहीं होना, मुझे क्या पता मैं जाकर आती सैलून. एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना, ऐसे घर से निकलने जाती हूँ, मैं आ चुकी हूँ बैंड्रा में इस शॉप में जो मेरी फ्रेंड की है. और शॉप दिखाने से पहले आपको मैं अपनी फ्रेंड से मिला देती हूँ. शी इज़ द ओनर. वो और उसकी बहन मिलके ये शॉप खोले थे कितने साल पहले. 12 years. बाप रे, दैट इज लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. बट ये दोनों इतने खूबसूरत हैं, खुद ही कपड़े पहन पहन के वो दिखाते हैं कि ये कपड़ा ऐसा लगेगा, ये कपड़ा ऐसा लगेगा. और आप देखो इनको, ये खुद ही मैनिक्विन जैसी लगती है. सारे कपड़े इन पे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. थैंक यू. इसीलिए लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो. ये ऐसे कपड़े लेकर आते हैं, कहाँ से लाते हो आप. सो इट्स अ मिक्स ऑफ Hong Kong, Bangkok. मैंने कहा था ना कि इस वक्त मैं तो ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन अगर बाहर के कपड़े पहनना है तो ये दुकान से आपको मिल जाएगा. I just love all your clothes. Thank you. और सारे मतलब इतने अच्छे से
सोच के कपड़े उठा के लाती है जो हर एक बॉडी टाइप को फिट होता है और हर एक बॉडी टाइप को कॉम्प्लीमेंट करता है. नॉट नेसेसरीली कि जो इनके जैसे परफेक्ट हो. अभी इम्परफेक्ट जैसे मेरे जैसे लोगों को भी सुंदर देखो, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं अभी काफ़ी सारा वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ. इनफैक्ट जीविता के भी बहुत सारे कपड़े ये वहाँ से ये लेकर आती है. और जीविता तो आते ही बैठ गई क्योंकि ये जो फ्रेंड है जिसको मैंने ये जो फ्रेंड है ये एक्चुअली जीविता की फ्रेंड है और जहाँ से मतलब मेरी फ्रेंड बनी हाँ, पर एक्चुअल कनेक्शन जीविता का ही है. हम शुरू करें या आप बताओ कि कहाँ से मतलब व्हाट डू यू थिंक. इनकी दुकान में मैं ऐसे नहीं ढूंढती हूँ कस्टमर जैसे. इनकी दुकान में आप आके ऐसे ढूंढना, लेकिन आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक वुड लुक गुड ऑन मी. सी ऑनेस्टली यू कैरी एवरीथिंग रियली वेल, बट सी समथिंग लाइक दिस विल आल्सो लुक रियली नाइस ऑन यू. हाउ लवली. द फैक्ट इज कभी कभी ना जो टंगे हुए कपड़े होते हैं या आप सडनली ऐसे देखते हो तो देख के ऐसा लगता है बाप रे इतना ब्राइट ऐसा क्या मैं पहन पाऊंगी. नॉर्मली मैं वो मतलब नहीं करूँगी या मुझे नॉर्मली दिखता भी नहीं है कोई नॉर्मल स्टोर में. ये सिर्फ तुम्हारे दुकान में मुझे ऐसे दिख जाता है ऐसी सारी चीज़ें. एंड वो निकालती भी है, सिर्फ वो नहीं उनकी जो सारी लड़कियां हैं वो निकाल निकाल के देते हैं ऐसे ऐसे कपड़े जो आप अगर थोड़ा सा डेयरिंग करके ट्राई करके देखो सडनली लगेगा यार मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था पर ये स्टिल लुकिंग सो गुड. इट्स बेसिकली वंस यू वेयर इट इट लुक्स वेरी डिफरेंट. Since there's winters, you can even carry a smart jacket like this. If you want something over the top, you can even wear something like this over just a basic dress or a gown just to make it look really nice. ऐसे मैं जानना चाहती हूँ what is the price for this one? These are all in the range of 2000. ये मजाक हो रहा है क्या? You can get these OTT looks. I mean, you know, हमेशा लगता है कि सेलिब्रिटीज पहनते तो इतना महंगा होगा, 10-15 हज़ार का कपड़ा तो होगा ही, पर 2000 का है. मैं सीक्रेट बता रही हूँ बाय द वे, एंड दैट्स व्हाट दिव्या डी कोड्स इज ऑल अबाउट. लाइक अ जॉगर सेट व्हिच यू कैन यू नो वेयर फॉर योर एयरपोर्ट लुक, सो इवन जस्ट go grocery shopping or something like that. What's the price for this one? These are all in the range of 2.5. So that smart airport look or maybe you know the niche shopping look, wo sirf 2-2.5 hazaar ka hai. My god, these cute little dresses which you can wear for your brunches, lunches. I love this. Even something like this. Main fit hongi kya? Main isme fit hongi? मैं जहाँ बोल रही हूँ क्या मैं इसमें फिट होंगी, क्या मैं अच्छी लगूंगी, ये सब और जीविता पीछे से बोले जा रही है यस यस. हाउ लवली. तो मुझे लग रहा है इसमें मैं 5-6 कलर्स लेके चली जाती हूँ. मैं ये ब्लू हुडी मुझे बहुत अच्छा लगा. थोड़े दिन पहले मैंने अलमारी सॉर्ट आउट किया तो मुझे पता चला मेरे पास बहुत सारे ब्लैक और बहुत सारे वाइट्स हैं. तो ब्लैक और वाइट को छोड़ के मैं दूसरे कलर देखती हूँ. एक कफ्तान ड्रेस है लेकिन उसमें कॉलर भी है. वाओ, दिस इज़ नाइस. मैंने ऐसा सेम ड्रेस एक पहना था, पहन के एक वीडियो बनाया था, तो उसका मैं क्लिपिंग इधर दे देती हूँ. ये मेरे पास है लेकिन मुझे आज इस बार कुछ नया नया लेना है, नया नया ट्राई करना है. देन समथिंग व्हिच इज रियली डिफरेंट दैट यू कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस. This is a skirt, but this actually can be worn like a tube dress with a smart belt. देखो इसको, so it's something very different. ड्रेस को कैसे आप पहन सकते हो वो भी बता देती है. This I'm saying कि आप इसको use कर सकते हो. अभी हम फोटोशूट कर रहे हैं जहाँ पे दिविशा बेबी का फेस रिवील करने वाले, so I think this might go. हाँ है ना, बहुत लाइट कलर है, लाइक अ बेबी बेबी कलर. हाँ, मतलब इट्स नॉट एवरी टाइम वी कांट डू पिंक पिंक पिंक. जीविता के लिए मुझे एक अच्छा सोच आ रहा है. जीविता दोस्तों की दोस्त, मतलब उसके वो उसके दिमाग में ऐसे सोच आता है एकदम सडनली, हाँ आप ये कर सकते हो, नेम रिवील करते टाइम आप ये पहन सकते हो, दिस विल लुक गुड दैट. और वो उसकी भी दोस्त है तो मेरे घर पे जो अलमारी खोल के सारे कपड़े उसने दे दिए, आपके पास पहुंच गए, मेरा अलमारी हो गया खाली. फिर वो अपने दोस्त के दुकान में मुझे लेकर आई, बोले शॉपिंग कर लो. मतलब मेरे साथ भी दोस्ती रख रही, उसके साथ भी, मतलब किसी बहुत तेज हो रहा है. लेकिन इसके बीच में जीविता को क्या मिल रहा है, हम सबसे दोस्ती. और इनके दुकान में बेल्ट वगैरह भी है तो इस यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर
अगर मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बेल्ट्स हैं तो इस वक्त मैं बेल्ट नहीं लूँगी, तो मैं मेरे घर से ही बेल्ट यूज़ कर लूँ। मुझे सबसे क्यूट लगा लेकिन ये बैग, इट्स सो स्मार्ट बट इट इज़ सो क्यूट ऑल्सो। अरे दिस बैग आई कैन टेक फॉर लिया ना, तुम कल ढूंढ रही थी ना एक, हाँ इससे छोटा बैग तो एक्चुअली नहीं मिलेगा। हाँ ये क्या है? इट्स अ स्वेटर टॉप। ओह यार सो क्यूट, दिस इज रियली वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज एन ऑन यू, आपको रखना है रख सकते हो, निकालना है यू कैन जस्ट रिमूव इट आल्सो। ये पहन के मैं लियाना के सामने जाऊंगी तो खुल-खुल के ले निकाल लेगी मुझे ऐसा लग रहा है, बट दिस इज सो नाइस, द पिंक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा तो बहुत ही मन है, मैं अमृतसर जाने वाली हूं 2 दिन के लिए, यू आल्सो फॉलो मी। अभी अमृतसर जा रही हूँ, ये तो मेरे प्लान में भी नहीं था। अच्छी लग रही हूँ, फ्लॉड बॉडी को अगर कोई ड्रेस कैमोफ्लाज करा सकता है वो ये है। आई लव दिस, है ना ये। अभी ये पहनो, दिस इज आल्सो डन, पर ये तो ये पहनने की जरूरत नहीं बिकॉज आई नो दिस विल। इसको कैसे पहनते हैं? यू कैन जस्ट वेयर इट एज अ ड्रेस, यू कैन वेयर इट विद शॉर्ट्स, दिस आई लाइक। ये लो, ठीक है ये ले लेती हूँ। बेस्ट ये लग रहा है कि आप मुझे नहीं पूछेंगे कि वो ड्रेस कहाँ से लिया, वो ड्रेस कहाँ से लिया, सब ड्रेस एक ही जगह से लिया। मैं एक्चुअली शॉपिंग आप लोगों के साथ मिलके कर रही हूँ। अभी मैं ये ट्राई करके आती हूँ। और अभी इसको ऐसे ही स्टाइल करते हैं। You can even add a belt if you like. वाओ एक्चुअली आप ड्रेस के साथ अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो, सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली मेंट टू से, दिस इज़ जस्ट मेकिंग मी फील लाइक आई कैन गो आउट एंड लिव माय लाइफ एंड बी माय सेल्फ अगेन। अरे ये जो आउटफिट है आपको याद है, ये मैंने पहना था गोवा में, ये बहुत ही प्यारा है, मैं पहन चुकी हूँ, मेरे पास है ये। और जब मैं पहन पहन के वापस बोर हो जाऊंगी तब मैं आप लोगों को वापस पूछूंगी क्या चाहिए आपको, तो फिर मैं आप लोगों को दे देती हूँ। व्हाट अ साइकिल दिस इज। अभी मैं क्या पहनूं? ओ माय गॉड, जिसका नाम मैं सोच रही थी। हाउ आई एम वेरी गुड। और ये वही पहनी हुई है, मैंने अभी बोला मैंने अलग करके रखा भी है। सो शी इज द अदर सिस्टर पूजा ऑफ हर्षा, दोनों जुड़े लगते हैं मुझे। तुम दोनों एक ही साल में तो नहीं पैदा हुए थे? क्या ट्विंस है? आयरिश ट्विंस। दोनों बहनें जब एक साल में पैदा होते हैं उसको बोलते हैं आयरिश ट्विंस। तो टेक्निकली दिविशा और लिया ना आयरिश ट्विंस पता चले, लेकिन ये एक साल में नहीं पैदा होके भी सेम टू सेम दिखते हैं। देखो है ना, तो अभी तो मैं ये पहनने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे दिख गया कैसा लगता है पहन के, जबकि वो मेरी आधी की आधी है कोई पड़ी है। हाँ और नहीं तो क्या, पर फिर भी इट इज लुकिंग वेरी नाइस, मैं तो वो ले रही हूँ। जीविता दीदी ने मुझे बोल दिया, जीवी दीदी। टडांग, कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी हॉट। सीरियसली बोल रहे हो? वेरी हॉट, दिस इज एक्चुअली लुकिंग वेरी नाइस। तुम लोग सब हमेशा दुकान में रहोगे लोगों को बताने के लिए? Boom, roasted. ऐसे ड्रेस पहनने से ना मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं धीरे धीरे और अपने आप को और फिट करूं कि सारे कपड़े जो भी मैं हाथ लगाऊं उसमें ही मैं सुंदर लगूं। है ना? ओ ये हाँ, सुंदर सेक्सी सा ड्रेस जो कि मात्र 2500 का है। वाओ, इसमें मैं फिट नहीं होंगी, पूजा ने क्लियरली बोल दिया होगा। You will fit, होगा, but बहुत fitted होगा। बहुत ज़्यादा tight tight type का, तो अभी इतना tight नहीं ये। This will fit, this will be more comfortable because of the fabric. चलो जो भी है, honestly एक बार पहन के आती हूँ, जरूरी नहीं है कि हर कपड़े में मैं प्रिंसेस दिखूँ, हृष्ट पुष्ट लगूंगी ये पहन के। Wow, just look at this. मुझे लगा था पता नहीं मैं कैसी लगूंगी रश्ट पुष्ट। दिस इज लुकिंग वेरी हॉट। इज गुरु गोइंग टू बी हियर ऑन योर एनिवर्सरी? देन दिस लेट्स जस्ट मेक दिस अ हॉट एनिवर्सरी ड्रेस। एनिवर्सरी? यस। तो एक महीने में आप और पतले हो जाओगे। एनिवर्सरी तो अगले महीने है। एग्जैक्टली, एक महीना है जस्ट। हर किस्म के कपड़े मिलते हैं, आई मीन फॉर ऑल द ओकेशंस, तो इसीलिए मेरा डेट हो, शॉपिंग हो,
plane just going out or maybe just spending a chilled out afternoon at home with my babies, मुझे हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे. तुम अचानक ये हेयर बैंड क्यों पहन के बैठ गई? क्योंकि ये देखो तो अभी ना मेरे मुंह पे आ रहा. अच्छा तो है, तभी तो आप लोग रोड पे मिलके बोलते हो जीवी दीदी जीवी दीदी. इतना क्लोजअप में मैं दिखाती हूँ शक्ल. तो आप इन लोगों से बात कीजिए, तब तक मैं एकदम सीरियसली और दो तीन चेंज करके देख लेती हूँ और फिर एक पोटला बांध के घर पहुँचती हूँ. क्योंकि हमेशा दोनों बहनें शॉप में नहीं होते, एक एक जन होते. पर मैं आज मैंने बोला था कि मैं आज आऊँगी और मैं वीडियो बनाऊँगी, मतलब देबिना डिकोड्स के लिए, सो दैट यू एक्चुअली नो ऑनेस्टली कि मेरे जो सारे फैशनेबल कपड़े होते हैं वो कहाँ से आते हैं. और दोनों एक्चुअली साथ में जाते हैं, कभी बैंकॉक से कभी हांगकांग से, सब कपड़े उठा के लेकर आते हैं. हाँ मजा आता है, बहुत मजा आता है. तो डिसाइड कैसे करते हो कि ये लेना है, इंडियन लोगों को पे अच्छा लगेगा या ऐसा कुछ? मिक्स ऑफ What I like and she likes. Well, 12 years back जब हम आए थे, so my first heels ever was from Bixi, golden color के इतने बड़े heels थे. And वो मेरा insta का भी first picture है. तो मुझे लगता है तुम लोगों ने एक Instagram worthy store बनाया है जहाँ पे आप Emily in Paris भी बन सकते हो, कहाँ पे आप Bridgerton Diaries भी बन सकते हो और कहाँ पे आप द गर्ल नेक्स्ट डोर भी बन सकते हो. मतलब मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है. आप लोगों को पता ही है कि मुझे, मतलब कुछ भी होता है, मैं अगर अटक गई कि मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मेरे दिमाग में फेंट आइडिया है, मैं हर्षा को बोलती हूँ मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए, पता है उसके स्टोर में कहाँ से पिटारा से निकल भी जाता है. वो पहन के मैंने डांस भी किया था तो वो फोटो भी मैं दे देती हूँ, दिस स्कर्ट. तो कहीं ना कहीं मिक्स मैच करके मुझे इस स्टोर से सब मिल जाता है, मतलब ऊपर से नीचे इधर से उधर. तो हमारी तो ये गप्पे चलते ही रहेगा. सीधा जब मैं घर जाती हूँ तब आपसे मिलती हूँ. क्योंकि रोज रोज मौका नहीं मिलता है इतना टाइम लेके, यू नो, घर से इतना दूर आने का. बट हो गया, थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. लोग ऐसे चुपचाप खड़े हैं ना. मैं वी कांट वेट टू सी यू. या देबिना डिकोड्स के लिए आज स्पेस देना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए सब लोग हो गया है. तुम नहीं जा रही हो आज? नहीं, तुमको पार्टी है. चलो टाटा देन. बाय बाय. आपको याद है वो गणपति वाला इयररिंग जो मैं पहनती हूँ अक्सर? वो इन्होंने ही मुझे दिया था क्योंकि मैंने बोला था, उन्होंने भी कैसे गणपति कुछ पहने हुए थे. मैं आई सेड आई जस्ट लव इट, तुरंत मुझे कहाँ से खरीद के भेज दिया था. एंड दे आर सो लवली. जा रही हूँ मैं पूजा. See you soon. Yeah. लेकिन जाने से पहले मैं तो चली जाऊंगी अभी उठ के. आई रियली मतलब वेंट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन टूडे. मैं घर से उठ के दोपहर को बच्चों को घर पे छोड़ के आई टू डू द शॉपिंग. ये मैं फ़ोन पे भी कर सकती थी, ऑनलाइन भी कर सकती थी, बट आई डिड द शॉपिंग टूडे फिजिकली जस्ट फॉर यू गाइज, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक और साइड और एक और पहलू दिखा सकूँ. तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देबिना डिकोड्स. बाय. आप लोग तो बहुत खुश होंगे, ये सारे कपड़े धीरे धीरे फिर आप लोगों के पास आ जाएगा. क्या मेरे घर ही चलेंगे आप लोग मेरे पीछे पीछे? बाय बाय.